शादी से पहले छोड़ दी थी, पहलवानी। हाँ शादी से पहले, शादी का दो तक, 2-3 साल पहले पट्टी देखी थी पापा ने प्रॉपर्टी देखी थी पापा बता दे इतनी प्रॉपर्टी है। हाँ आप कितने खुश हो, चलो प्रॉपर्टी है। हाँ खुश तो थी आदमी से प्यार है ना, उस टाइम प्रॉपर्टी से प्यार था। आदमी तो अच्छा होना ही चाहिए, अगर प्रॉपर्टी ज्यादा और आदमी पीता हो मारता हो। और आपका कहाँ है माइक का? मेरा यहीं पे है, वो भी दिल्ली में ही, 3 गली छोड़ के। कितने चक्कर लगा ससुराल के एक दिन में? अभी 3 लग लिए सुबह से भाई। आई लव यू अन्नू। सेम टू यू। नहीं नहीं आशीन। सेम टू यू। ना सेम टू यू। आई लव यू टू। ओ मैरिज, अरेंज मैरिज, सच बताना। अरेंज मैरिज नहीं, लव आ गया। बिल्कुल अरेंज है, अरेंज मैरिज है। मैं जा बताओ, मैं अपना तो कहते भाई लव फिर अरेंज नहीं, अरेंज। हरियाणा वी मीडिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, साहिद दर्शकन सुमित लाल की ओर राम राम, तुम्हारे साथ देख रहे ग्रुप हरी मत जो चारा। बहुत पहले जानो मैम की वीडियो, बहुत ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, मतलब बहुत अच्छी वीडियो बनाओ भाई, पारिवारिक वीडियो बनाओ, कोई बोल गलतिया कंटेंट नहीं बना दिए। तो साथ में देख रहे हैं उनके हस्बैंड बहुत ज्यादा सपोर्ट करे, कई मतलब वाइफ है जिनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, उन्हें वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि उनके हस्बैंड भी वीडियो देखो तो सपोर्ट करेंगे। तो मेरे साथ अनिता दलाल, तो मैम सबसे पहले राम राम, स्वागत हमारे चैनल। राम राम सभी को। कैसे मैम? बढ़िया है। हाँ तो लग रहा आपको देखिए बढ़िया है। राम राम भाई जी। राम राम जी। राम राम। कैसे भाई साहब? बहुत बढ़िया थे। वो तो आपकी सेहत को देख के लग रहा है भाई, बढ़िया ही रहो, सब बढ़िया रहो भाई। तो मैं बहुत ज्यादा मिलना चाहते हैं आपसे भाई, हरियाणा से भी पंजाब से भी, कहाँ में देख पा जो आपके फैन है? ओ भाई दिल्ली में मिलते हैं। हाँ दिल्ली में ही मिल सकते हैं। नहीं दिल्ली तो बहुत बड़ी है, कोई एक एरिया बताओ। हमारे घर में ही मिल सकते हैं। नहीं लोकेशन कहाँ है? लोकेशन नांगलोई में। एनी टाइम 24 घंटे कोई भी आओ। हाँ कोई भी आओ। नहीं भाई लड़का भी आओ लड़की, लड़की आओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, पर फैन वो होना चाहिए कि सही आदमी हो, ऐसे नहीं होना चाहिए भाई कोई। और एक बार कॉल करके आए, कंफर्म करके आए, कोई आ रहा है जैसे फोन कैमरा मैम लाइव सारे देखो, ऑफ कैमरा जा रहे हैं कितने पिट रहे हो आप? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है दिल्ली से, हरियाणा दिल्ली से यूनिवर्सिटी से। और अपने भाई जी? भाई मैंने 12 कर रखी है, इनमें तो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैंने डीएड भी कर रखी है, सीटेट भी क्लियर कर रखा है और एचटेट भी क्लियर कर रखा है। अब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगा? नहीं वो तो मैंने छोड़ दिया बच्चों के लिए। अच्छा तो बच्चों पे ध्यान दे रहे हो? हाँ पहले बच्चे फैमिली। हाँ, हाँ। उसके बाद जॉब। नहीं भाई लड़कियां देखो, देखो मैं ना देख रहे हो भाई सारे कितने पढ़ रहे हैं, आप 12वीं कर दे रहे हो, लड़के तो पीछे क्यों रहे पढ़ाई का मामला? बस भाई हम थोड़ा खिलाड़ी टाइप में रह जाते हैं, पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं होता। पहलवानी में थी। अच्छा मतलब कबड्डी खेला करते? कुश्ती। कुश्ती खेला करते। मतलब किस उम्र में शुरू कर दी थी? वाह भाई 13-14 साल में शुरू कर दी थी हमने। छोड़ फिर किस उम्र में दी? वो 23-24 साल थी जब उम्र लिख रही भर्ती की, जब मैं छोड़ दी थी। कुश्ती के जाकर कबड्डी खेला भाई, करियर था इस चीज में उस टाइम पे? उस टाइम पे ठीक था भाई करियर, तो मेहनत करे तो बड़ा करियर, मेहनती बालक का तो हमेशा ही करियर रहेगा। आप मेहनती में थे ऐसे भाई, 2 घंटे भी की चार भाई जो टाइम निकल गया उसका क्या बताओ। क्योंकि सक्सेस देखा आदमी वो तो देखता नहीं, जो सक्सेस हो रहा उसी ने देखेगा। नहीं भाई दिन में 4 घंटे मेहनत करे अगर 5 घंटे करे अगर और सुबह शाम कराया करते भाई, दोनों टाइम करनी पड़ा। नेशनल इंटरनेशनल लग गई थी? नेशनल खेल रखा है भाई। अच्छा कमी लगा भाई, जॉब किस कमी की वजह से नहीं मिली आपने? जॉब का तो भाई उस टाइम पे इनकी पैर में चोट लग गई थी थोड़ी, ऑपरेशन भी हुआ था फिर छोड़ दी थी उसके बाद। शादी किस उम्र में हुई थी फिर आपकी? शादी भाई 27 साल का था जब हुए थे। अच्छा आपने नहीं मैम कभी सोचा भाई पहलवान मैं भी बनूं कुछ कर? नहीं खिलाड़ी बनूं मैं भी, खिलाड़ियों से दूर थी। क्यों? मैंने कभी खेल वेल नहीं किया, आपका पढ़ाई में ध्यान था? हाँ बहुत ही शरीफ लड़की घर घर में, बस घर का काम पढ़ाई बस। होशियार कौन है दोनों में से ज्यादा? दोनों ही है। कितने मेरे 65 भाई? मेरे 58 है भाई। उस टाइम पे कम आते थे, बहुत पहले की हुई है। मैं बोलता था कमेंट आते हैं लव मैरिज अरेंज मैरिज, सच बताना। लव अरेंज मैरिज नहीं, लव आ गया। बिल्कुल अरेंज है, अरेंज मैरिज है। मैं जा बताओ, मैं अपना तो कहते भाई लव फिर अरेंज नहीं, अरेंज मैरिज है भाई, अरेंज मैरिज है। इतनी अरेंज है कि हमने देखा भी नहीं था शादी से पहले, शादी के बाद ही एक दूसरे को देखा था। किसने करवाया था भाई? चलो ये यहीं पे हमारे पड़ोस में थी एक लुगाई, उसी ने कराया था, उसी ने कराया था। जो आपकी भी नॉलेज में थी, इनके भी नॉलेज, दोनों की नॉलेज में थी क्योंकि ये पड़ोसी है तो हमारे। हाँ। मैं सोचा पता चल गया पहलवान है। हाँ पता लग गया था।
तो खिलाड़ियों से दूर थी, मैं सोचा पहलवान आदमी पता लग गया था इनके पापा भी पहलवान थे, ये पहलवान के नाम से यहाँ फेमस है। उस टाइम पे ना बन पाया भाई, चोट पेट लगी तो फिर अपने भाई काम धंधे में पकड़ लिया, फिर अपने शादी होगी। शादी तो पहले छोड़ दी थी पहलवान की? हाँ शादी तो पहले, शादी पे दो तीन साल पहले। एक पहलवान में बाबा गुस्सा बहुत ज्यादा हुआ, आपने कितना गुस्सा रखा है? नहीं गुस्सा कदे नहीं हुआ है भाई हमारे। अच्छा गुस्सा करना भी नहीं चाहिए, गुस्सा है ही नहीं है। लेकिन जब आता है ना, जब इतना आता है एकदम से बहुत ज्यादा करे बदे इतना तो याद नहीं है। नहीं थप्पड़ सामने हो, कोई थप्पड़ मारे हो? नहीं ऐसा तो नहीं होगा। हमारी पिछली वीडियो देखेगा तो उसमें भी मैं पिटता मिलूंगा। क्या मानते हो भाई जी, पहलवान आदमी डरता अपने भाई से? आप पहलवान खुद क्या है? नहीं इज्जत करता है, डरे भी है भाई, डरना ही पड़े थोड़ा बहुत तो। ताकत की बात तो ठीक है, फिर शरीर भी पहलवान आदमी में ताकत बहुत तगड़ी होगा, लेकिन फिर भी डरो तो वैसे भी डर है हम क्या लग धरती पे रहे का क्या फायदा जब रहना मतलब भाई की मुट्ठी में भाई बीवी की मुट्ठी में तो ये तो भाई सब रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, परिवार चलता रहेगा अपना। रोटी तो बीवी देगी। कितना डरा के रखते हो दिन में? नहीं मैं नहीं डराती, खुद ही डरे हुए हैं पता नहीं क्यों। मैं तो नहीं डराती। आपको भाई गुस्से वाला साधन गुस्से हो रहते हो? अभी आपने देखा गुस्सा? नहीं हम तो अभी आए, क्या बताओ उससे पहले? नहीं ऐसा नहीं है। फिर शादी होगी भाई जी, एक दूसरे को फर्स्ट टाइम उसी टाइम देखा था? हाँ फर्स्ट टाइम वो इधर भी देखा था, शादी के बाद ही देखा फर्स्ट टाइम। फोटो फोटो भी देखी उससे पहले? फोटो तो देख रखी, फोटो तो भेजी थी। फिल्टर वाली थी इस टाइम? बिना फिल्टर वाली? फिल्टर वाली वो ये रखी, अब इसमें और इनमें फर्क देख लो। अच्छा ये भेजी थी वहाँ पर आपकी? मेरी भी ऐसी ही थी, आपको फिल्टर की जरूरत भी नहीं है। फिर शादी होगी भाई जी, देखी ठीक लगे उस टाइम? हाँ ठीक है, ठीक भाई बिल्कुल बहुत बढ़िया। रिश्ता कराया उनका भी आज थी, शुक्रिया ही कराया। लक्ष्मी गैस का आपके लिए बहुत बढ़िया। नहीं मैम गैस से क्या फायदा भाई आपके लाइफ में? यो फायदा गया मैंने भाई, हम थोड़े मैच्योर हो गए, काम धंधे में लग गए अपने। नहीं फाइनेंशियली में भाई सपोर्ट हुआ भाई, सपोर्ट ये है कि फाइनेंशियली भी भाई इन्होंने ज्यादा खर्चा ना करती हो रहा कितने। ये बात है, मैं खर्चा नहीं करती। नहीं मैं वीडियो में देखा सूट अलग अलग फिर भी वो मेरी मम्मी की दी हो मेरी मम्मी देती है। आप शॉपिंग नहीं कराते भाई? है? आप कितने शॉपिंग करा एक महीने? महीने में शॉपिंग भाई जितना ये कर ले सारा चार्ज इन्हीं के हाथ में है। चार्ज मेरे हाथ में है, मैं इनके साथ लड़ती रहती हूँ कि शॉपिंग करा दो करा दो, और जब करने का टाइम आता है जब मैं पीछे हट जाती हूँ। वो ना सही बुआ की सरकार है, तो सरकार अभी तो भाई बड़का के ज्यादा ध्यान रखा है कि उनकी पढ़ाई वढ़ाई सही से करा ले। आप कितनी शॉपिंग करो एक मंथ में? भाई मैं महीने में शॉपिंग, मैं शॉपिंग नहीं करता, इनकी मैं ही करती हूँ। ड्रेस पहन रखी आपकी पसंद की? शर्ट पैंट कपड़े जितने भाई के साथ जाके सारे आप ले आओ। हाँ। आपने के पसंद भाई जी? चलो पहलवान आदमी भाई खुले कपड़े हो, चलो जींस है, के पसंद है पहनने में? हाँ। पहनने में भाई टी शर्ट और लोअर, इनको कोई कुछ भी दे दो और ये जो लगा ले मैं पहनता नहीं, जब भी वीडियो में भी मैं पीछे ही रहूं। जबरदस्ती बना रखी है। हां साथ दोगे? अब लाइफ कैसी चल रही भाई? बहुत बढ़िया भाई। और आपकी मैम? मेरी भी नहीं, आप कह रहे भाई आज टैट सी टैट बहुत पढ़ रहे थे। हाँ। मैं मन तो पढ़ा लिखा चाहिए मेरे तो फालतू लड़कियों सोचो है नहीं। प्रॉपर्टी देखी थी पापा ने। प्रॉपर्टी देखी थी पापा बता दे इतनी प्रॉपर्टी है? हाँ। आप कितने खुश हो? चलो प्रॉपर्टी है। हाँ खुश तो थी। आदमी से प्यार है, टाइम प्रॉपर्टी से प्यार था। आदमी तो अच्छा होना ही चाहिए, अगर प्रॉपर्टी ज्यादा और आदमी पीता हो मारता हो तो फिर क्या फायदा उस प्रॉपर्टी का? इतनी प्रॉपर्टी हमारी नहीं, प्रॉपर्टी भाई प्रॉपर्टी का वो कोई मैटर नहीं होता। नहीं मैंने तो बता दिया प्रॉपर्टी देखी ना हमने, तो इनकी एजुकेशन ही देखी थी। अच्छा इन्होंने ये देखी थी कि शरीफ लड़की है, क्योंकि आस पास सबको ही होता कि हाँ इनकी लड़की बहुत अच्छी है, काफी रिश्ते आते थे पड़ोस में से ही। कितने साल हो शादी में? 10 सालों में। मतलब क्या कर 10 साल पहले लड़कियां पैसा ही देखा कर मैंने नहीं देखा, घर वालों ने देखा। ये आप कह रहे हो ना कि हाँ मैं भी खुश हो गई। हाँ फिर खुश तो हो ही जाते हैं भाई, अच्छी खासी फैमिली है, प्रॉपर्टी बड़ी है। तो बताओ कितनी प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी तो भाई थोड़ी है, हम तीन भाई उसमें बैठने के बाद कम है।
ये अपना खुद का ही मकान है। आप दिल्ली में रहो, ये सारा खुद का आपका? हाँ, दिल्ली में खुद का है। और दो भाई आपके गाँव में रहे? नहीं, यही रहे, मतलब पूरी फैमिली है। पहले फैमिली यही रहे, एक भाई बैंगलोर जा रहा है वहाँ सर्विस कराए। और आपका कहाँ है माइक का? मेरा यहीं पे है, वो भी दिल्ली में ही, तीन गली छोड़ के। कितने चक्कर लगे ससुराल के एक दिन में? अभी तीन लग लिए सुबह से भाई। नहीं, आसपास जाके आज या वहीं पे? नहीं, बच्चों को छोड़ के आया था। हाँ। वहां तक ट्यूशन जाऊंगे, फिर ट्यूशन पे फिर मैं लेकर आऊंगा वहीं पे उनके घर पे। तीनों का करो भाई, आदमी एक जगह जावे, इज्जत कर जे। कितनी इज्जत करे ससुराल का? नहीं, इज्जत पूरी करे भाई। अच्छा, इज्जत तो पूरी है। जितनी बार जाओ चाहे समोसे आवागे, फिर इनके पेट का भी ध्यान रखना होता है ना। हर बार समोसे खिलाएंगे तो पेट की क्या हालत होगी? नहीं, बटे की तो इज्जत करनी चाहिए, करनी चाहिए बटे की तो इज्जत भाई। ये करे भी है। अच्छा। इतना डर के कहना भी चाहिए। तो 10 साल 7 दिन हो गए आपकी लाइफ में? कैसे चल रही है? सही चल रही है मेरी लाइफ। शादी वाला दुखा के खुश है, पछता रहे हो? दोनों है, मिक्स है। जब काम करना पड़ता है इतनी पूरा, मतलब जिम्मेदारियां आ जाती है। शादी से पहले तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती, फिर तो सोचते हैं जब जिम्मेदारी आ जाती है, क्योंकि पहले की लाइफ ज्यादा अच्छी थी। ये तो पछता रही और खुश? हाँ, खुश इसलिए कि भी अच्छी फैमिली मिल गई, ये नहीं है कि भी कोई परेशानी हो। केयरिंग हस्बैंड आपके? हाँ। केयर कितनी करे? चलो आपका सिर दुख रहा है, सर दबा दें कभी ऐसा? हाँ, ना जरूर कर देंगे भाई। हाँ। चाय भी बना के दे देते हैं। कितने वर्त रखे इतना केयरिंग हस्बैंड के लिए? मैंने वीरवार के रखे थे। उन्हें रखे थे। हाँ। और अपने भाई जी वो आपके यार दोस्त कंधे, वो इतनी क्यूट वाइफ के लिए कितने सोमवार के वर्त रखे? ये नहीं मानते, पर जो हो गया किस्मत ने सही कर दिया। अच्छा, कितने लक्की मान लो? 100 मतलब भाई, लक्की भाई 100 का 100 मान लो। पिछले पहलवान आदमी आ कर भाई वाइफ ने कहा भाई कुश्ती कर, तुम भी कुछ शरीर की तरफ ध्यान। लेकिन सोशल मीडिया पर सपोर्ट में समझ में नहीं आ लोगों की चीज। सोशल मीडिया में जरूरी है भाई, एक फैमिली में, जहाँ फैमिली में औरत की इज्जत नहीं है वहाँ कोई फायदा भी नहीं उस फैमिली का। सबसे ज्यादा आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, अगर कोई कर रही है तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो। सही काम कर रही है, सही काम कर रही है तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। अब हम भी अगर यही चाहो कि भाई लेडीज जो देखते हैं कि अपने घर में ये प्रॉब्लम है तो ये सही करो, ये प्रॉब्लम है। एक शौक की चीज हो, किसना था? मैम अपना था, सर ना था? शौक नहीं था मेरे को बिल्कुल भी। मेरे को तो बहुत मुश्किल काम लगता था ये। फिर मैं जैसे सिलाई जो मैंने सीखी थी वो यूट्यूब से ही सीखी थी, देख देख के वीडियो। तो एक दिन मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि भाई ये तो मैं भी बना सकती हूँ। हाँ। जो मेरे को अच्छे से सिलाई आ गई तो मैंने ऐसी वीडियो बना दी ना, तो उसमें आवाज अच्छी थी ना वीडियो अच्छी थी, कुछ भी अच्छा नहीं था उसमें। फिर मैंने इनको भी बताया, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे सिलाई वाले चैनल पे। तो फिर मैंने सोचा कि भाई इस पे मेरे पे व्यू क्यों नहीं आए, या फिर इनसे अच्छी नहीं बनी मेरी वीडियो। फिर मैंने कोशिश किया कि इनसे अच्छी बनानी है वीडियो। ऐसे 4-5 वीडियो बनाई मैंने, 5वीं वीडियो मेरी वायरल हो गई थी। लेकिन छोड़ दिया क्या रही उसका? ये हुआ कि क्योंकि वो बहुत बारीक काम था, और मेरे दोनों ही बच्चे हैं ना जो बेबी है, वो ऑपरेशन से हुए हैं, तो फिर कमर में पेन होने लग जाता था इतनी देर बैठने जाता। फिर मैंने थोड़ा कम कर दिया, फिर धीरे धीरे पूरा ही बंद। नहीं कोई लेकिन सोचा भाई दुकान इसकी तो सूटा की? नहीं, दुकान नहीं है सूटों की। अच्छा, दुकान नहीं है। वो जैसे घर की मम्मी के सूट सी लेती थी, अपने मम्मी में सास के भी, बस उन्हीं से 2-3 सीखी। सारी यूट्यूब से सीखी है? यूट्यूब से सीखी है। फिर खुद के सूट पर अप्लाई करने लगे डिजाइन को? हाँ, खुद के सूट पे। नहीं भाई जी, आपको बता मैं वीडियो बनाऊँ, फिर आपने क्या सोचा भाई ठीक है या कोने बनानी? ना ठीक है, मैं तो खुश था, अब भी खुश है। अब और तरह की बना लग गया हम वीडियो। पहले सिलाई की बनाया करते, मैं अपने काम पे चला जाया करते, ये दिन में बना लिया करते। जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, तो इसने ये कहा कि क्यों बना रही है, मत बना, और ना ही इसने ये कहा कि तू बनाओ और बना। तो मना नहीं किया, तो मैंने सोचा चल बना ही लेती हूँ। कितना करा था आपको? पहले तो थोड़ा मतलब इतना वो नहीं था, लेकिन बाद में हो गया था। स्पोर्ट कब खोल भाई? पैसे आने लगे तब करा? ना पैसे का, पैसे के लिए करते ही नहीं, खुशी के लिए। मेरी वाइफ अरे खुश है तो कर, खुश है इसलिए, खुशी के लिए ही करे हम, किसी के चेहरे पे खुशी आ जाए इसीलिए वीडियो बनाओ, हम पैसे के लिए करते ही नहीं। इंस्टाग्राम में किसने कहा मैम इंस्टा पे बनाओ? इंस्टा पे तो मेरे भाई ने कहा कि भाई तुम ऐसी वीडियो, पहले लिपसिंग की वीडियो बनाती थी मैं, तो भाई बोला कि अपनी आवाज में बनाओ, अपना कंटेंट बनाओ। फिर वो स्टार्ट किया। तो ये कंटेंट कौन देता आपको सारे?
इनका दिमाग कंटेंट हम दोनों भी मिला ले अब मिलाने लग गया हम बना दे जो आपका फेमस है वीडियो आज तक उसका कोई आते डायलॉग जाना है। एक बात बताओ, घर में आग लगाने में सासू आगे रहती है बहू आगे रहती है? सास की लाडली बेटियां ज्यादा आगे रहती हैं, सबसे आगे वीडियो बनाते हो इंस्टाग्राम पे? हाँ वीडियो बनाते हुए फैमिली नहीं निकाल रखी आगने लगे थे हम कुछ और करो ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, फैमिली में हमारे सब सही आदमी है, सब समझदार भी है। वे सोचे उन्हें नहीं पता कि आज का जमाना भाई इन चीजों पे है, देखा है तो सब कुछ बड़ा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है इस चीज में भाई कि बेकार काम है। यो काम तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम है, पढ़े लिखे बालक भी इसमें करन लग रहे हैं। अरे वो सब ने करके देखना चाहिए, जो भी अपना टैलेंट है वो दिखाना चाहिए कि हाँ भाई हमारे मुकाबलियत है यार। मैं एजुकेटेड बहुत ज्यादा हूँ, मतलब एजुकेशन फीकी पड़ेगी सोशल मीडिया के आगे। जीरो हो गया कैसे का? नहीं ये है कि ये काम अपने घर में ही हो जाता है। हाँ। उसके लिए बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता, कोई ऐसा बंदा नहीं था जो घर पे बच्चों को संभाल ले, उनकी केयर कर ले, तो इसलिए वो छोड़नी पड़ी। स्पोर्ट तो एजुकेशन का इस चीज में लेकिन ज्यादा अच्छी है। कोई सोचा था प्राइमरी गवर्नमेंट जॉब लगूंगी? तैयारी कितने दिन की आपने? तैयारी मैंने शादी के बाद भी मैं करती रहती थी, डीएसएसबी के भी मैंने एग्जाम दिए थे लेकिन वो लीक हो गए फिर कैंसिल हो गए। इन चीजों से ज्यादा मन टूट जाता है जब लीक होते हैं और फिर कैंसिल हो जाते हैं। किस्मत को सॉरी मंजूर है। हाँ नहीं अब सबका एक क्वेश्चन रहता हूँ, इनकम कितनी कर ले, कितनी कर ले? इनकम तो कुछ भी नहीं अभी तो नहीं आप बताना भाई जी बता। है ना बहुत बढ़िया करियर है भाई, सपने पूरे उसका आदमी के। हाँ। अगर आदमी मेहनत कर रहा है और सोच सके कि मैं सारी जिंदगी वो काम कर सकता हूँ तो उसका सपने भी पूरे उसके सारे। अगर उसने को बहुत बड़ा सपना देख रखा है वो भी पूरा हो जाए, लेकिन उसके लिए फिर मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी और साथ में किस्मत भी साथ दे। आपकी कितनी मेहनत सोशल मीडिया पे? मेरे इस पे इंस्टा पे 1,21,000 है आज। नहीं मेहनत के क्या साल की है? मेहनत मेरी 1 ही साल हुआ होगा, इंस्टा पे 1 ही साल हुआ है और उससे पहले यूट्यूब पे करती थी, तो यूट्यूब मैंने किया था 2019 से सिर्फ। लगा था मेरे टैलेंट है मैं कर सकूं इस चीज में? नहीं लेकिन धीरे धीरे हो गया। आपने क्या देखा भाई जी कर सके, क्या टैलेंट देखा आपने? कर सके जी, मेहनत करे तो सभी कर सके हैं। हाँ। पर अपना वो लाइन चुनने में टाइम लग जाएगी भाई, ये लाइन चुनो और इसी में फोकस करो और उसी में लगे रहो। हाँ। जब ही जाकर सक्सेस मिलेगी, वैसे सक्सेस मिलेगी भी नहीं। अगर आज वो काम पकड़ लिया कल वो पकड़ लिया तो ऐसे कुछ नहीं होगा। रेगुलर काम करो जो करोट नहीं कर देखिए, सोचो सोशल मीडिया पाओगी और किसी के बात करेगी नौकरी, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए वो तो भाई बिना इस उस पाए भी कर सके बात तो। हाँ, जरूरी नहीं है कि इससे चीज पा के बात होगी। हाँ। वो ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो विश्वास होता है। विश्वास होने से इतनी आजादी दे रखी भाई कुछ भी करे। हाँ। कैसे मेंटेन करके रखते हैं आजादी को, कुछ गलत ना हो मेरे से? इन्होंने आजादी इसलिए दी है क्योंकि मेरे को मेंटल क्या कहते हैं मेंटेन करना आता है। हाँ नहीं कि ऐसा भी होता होगा भाई, लड़के मैसेज भी आते क्योंकि सोशल मीडिया ही सभी प्रकार के मिलेंगे, आपने मैसेज वगैरह आते रहते हैं लेकिन इनको पता है विश्वास है। नहीं आप कैसे हैंडल करते हो भाई, मैसेज कर दिया किसी ने कि मैं पसंद करूं आपको, ऐसे ऐसे कैसे हैंडल करते हो? इग्नोर कर देती हूं। नहीं कि गुस्सा आया हो रिप्लाई करिया हो? नहीं मैं रिप्लाई भी नहीं करती। आपने क्या भाई सीधा इग्नोर? नहीं हम रिप्लाई नहीं करते भाई, ब्लॉक कर लें भाई। मैं क्यों ऐसा कह रहे हैं? ना 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 जो अच्छा कमेंट करते हैं सोच है हमारी, सोच ऐसी थोड़ी ना है, अपनी सोच तो पॉजिटिव लेके चल रहे हम तो। कमेंट कर सकता लेकिन फेस टू फेस नहीं कह सकता। फेस टू फेस पता भाई पहलवान आदमी है। अरे नहीं फिर भी हम ऐसा करना चाहते भाई, कोई गलत कमेंट ना करे तो बढ़िया है किसी के बारे में भी। नहीं भाई देख सोशल मीडिया चक्कर में पाकिस्तान से भी आ गई थी, लगता नहीं ऐसा होगा लाइफ में क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता फिर तो भाई अगर होगा तो देखेंगे। लगा मैम कैसा उसका कभी नहीं ऐसा क्यों होगा? क्योंकि टाइम पता नहीं क्या करवाते बंदे में। नहीं अभी तो नहीं, ऐसा कुछ ना ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा कितना मतलब ट्रस्ट है मैम पे? 100 में से भी 100 का 100 है भाई। आपने कितना मैम? मैंने 100 से भी ज्यादा है। देख लो ट्रस्ट पूरा है भाई, हमने ट्रस्ट रखना भी चाहिए। अच्छा आप कितना वेट है आपने? मेरे में भाई अब 92 है। मेरा आपने 60। अच्छा मतलब कम है।
अब वो खान पान अब भी वो डाइट वही चल रही है या वो तो नहीं बदल गया भाई, डाइट वाइट तो सब बदल गई। अच्छा अब तो घर का ही ले जो खाना है सादा खाना वही खाओ। है देखा चलो एक वीडियो बनाऊंगी, एक सूट तो पहन कर दोबारा नहीं बनाऊंगी, अगर बनाऊंगी तो 70-80 में रिलवा आऊंगी। ऐसा क्यों लड़के देखा भाई, चलो एक के जर्सी में एक के लवर में 10 वीडियो बनाऊंगी। मैं भी एक वीडियो इसमें ड्रेस में कम से कम 3-4 बना देती हूँ, उनपे भी कमेंट आते कि ड्रेस तो बदल लिया करो मैम। फिर बताओ क्या करें, बदलनी पड़ती है। लड़के तो बाल भाई किसी भी बड़े, लड़कियां तो भाई बाल सजाऊंगी बिंदी सरस दिखेंगी। आप भी ऐसे करता हूँ, मेरी बिंदी ठीक नहीं है इसमें, ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसा किया है वीडियो पर इतना नहीं किया, लेकिन उससे पहले थोड़ा तैयार होना पड़ता है। ये मेरे बाल ठीक नहीं है इस वीडियो में, यहाँ नहीं होना। नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ, बस वीडियो बनाने इससे पहले थोड़ा तैयार हो लेते हैं, फिर वीडियो चाहे कैसी भी है, चाहे काली पीली कैसी भी हो, हमें अच्छी लगती है वही वीडियो हम बनाए। मेन तो कंटेंट होता है, अगर कंटेंट आपका अच्छा है दमदार है तो फिर शक्ल सूरत से क्या है। अगर हमारे लक सही है, हम कुछ गलत नहीं बोल रहे, जितने भी हमारे फॉलोवर हैं, इनके फॉलोवर हैं, वो इसी हमारे जुड़े कि ये फैमिली की वीडियो बनावे, ये ना तो कोई आज तक हमने कोई गलत शब्द बोल रहा, और ना हम चाहते कि हम कोई गलत शब्द बोले किसी और दूसरे के बारे में, तो बोलते नहीं, हम खुद अपनी फैमिली की बनावे। तो यही हमारी वजह भी, हम यही मानने की फॉलोवर ज्यादा आ रहे हैं। गलत के कह रहे हैं, गलत के देखा लड़के बहुत ज्यादा गलत बोल रहे हैं, मैं क्या कहना चाहूंगा मैम, सही है गलत वो चीजें गलत ही है भाई, आपकी भी बहन बेटियां सबको सही लिखा करो, अगर वीडियो नहीं पसंद आ रही तो अपना स्किप कर दिया करो। नहीं कोई लड़कियां मैं गलत बोल के वीडियो बनाऊं है, हाँ वो तो गलत ही है। सूट कपड़े से क्या लगता है मैम, वायरल उसका चलो भाई, मैं तो कुछ नहीं कह सकती इस पे, सूट कपड़े से उसका है उसका, लेकिन फिर उसके फॉलोअर भी ऐसे ही होंगे, उनके फॉलोअर भी फिर वैसे ही होंगे, पारिवारिक मतलब फैमिली वाले। हाँ, जैसे आप वीडियो बनाओगे, जैसा कंटेंट होगा, आपके फॉलोअर भी वैसे ही जुड़ेंगे आपके साथ, फिर वैसे ही कमेंट आएंगे, ये मैंने देखा है। फिर इनकम हुई, कितनी इनकम हुई फर्स्ट सोशल मीडिया से? हाँ, पहली जो आई थी जो फर्स्ट वो $100 हुए थे। इंस्टा से नहीं आई थी, यूट्यूब से आई थी, यूट्यूब से आई थी। एक महीने में, दो महीने में, कितने 7-8 महीने में आई थी फर्स्ट वाली तो। फिर कितने खुश थे मेरी इनकम वाली? बहुत खुश थी मैं। पहली बार क्या लिया था भाई जिसका? उसका भाई इन्होंने जोड़े ही थे। अच्छा, अकाउंट में रख लिए? अकाउंट में जोड़े, इन्होंने काफी कमाए यूट्यूब पे, बहुत पैसा कमाया इन्होंने उस टाइम पे, वो सारे इन्होंने जोड़े ही। अब भी मैं चलो यूट्यूब वाले सारे खर्च कर दिए, नहीं कर दिए, घर बनाने में खर्च कर दिए सारे। हाँ यूट्यूब की कमाई से करेंगे सारा, नहीं है कुछ मेरा भी हिस्सा है, कुछ इनका भी हिस्सा है, आपने सिखा दिया दोनों भाई मिलाके है, हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में तो कुछ भी कर सके। हाँ, साथ में तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, अकेला ही नहीं भाई, हस्बैंड काम करे वाइफ में आराम करना चाहिए। नहीं ऐसा तो नहीं करना चाहिए, हस्बैंड आराम कर रहा है या फिर वाइफ आराम कर रही है, दोनों को मिलके जब ही घर चलता है। नहीं आपके कमेंट देखा, कहीं आते तो कोई काम भी नहीं करते, घर पर सिंगर ही रहे सारा दिन। नहीं ऐसा तो कोई कमेंट नहीं आया। नहीं आपने देखा, देखते पता नहीं आया होगा तो। रियलिटी है, झूठ है? नहीं सारा दिन ही तो वीडियो बनाते हैं, जब ही सिंगर तभी तैयार होते हैं, वैसे तो वैसे तो नॉर्मली रहे हैं, लोअर टी शर्ट में ही रहते हैं, मेकअप तभी करो सारा। हाँ, हमारे पास टाइम भी वीडियो बनाने का 11-2 के बीच में मिलता है भाई, जब बच्चे स्कूल गए होते हैं, स्कूल गए बाहर जाके या घर पे कभी बाहर, बाहर भी कभी, बाहर तो अभी बनाने लगे, नहीं तो ज्यादातर वीडियो घर की है। तो 10 साल 7 दिन हो गए मैम की, 2 बार डेबिट बताने, बस चेंज नहीं करी थी, सुधारनी चाहिए चीज, सुधारनी चाहिए इनने भाई, खाम खानी दबकाना चाहिए। और तो भाई और सब बढ़िया, दूसरी तो कोई नहीं है, आपकी बुराई कर लिया, गलती बच्चों की धमका दे बनना है, बच्चों को इतना नहीं डांट सकते ना, वो गुस्सा ही निकल जाता है, इनको डांटती हो तो वो देख के ही डर जाते हैं बच्चे। आप तो डरिया हूँ मैं, घूम फिर के बाद मेरे पे आ जाओ, वही है इनकी फैमिली में कुछ होता है वो भी गुस्सा ही निकल उतरता है, समझदार आदमी की शुगर तो मरो यार, वही काम आपकी बुराई तो करते हैं, आप अच्छाई करनी दो गुड है, मेरे को पता नहीं है। हाँ सर की ये कि लेडीज की ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे मैं हूँ या मम्मी हो या फिर मेरी भाई, इनकी भाभियाँ हो, कोई भी हो। हाँ, और दूसरा ये कि सोचने पड़ रही भाई जी। सारी है, कौन सी बताओ मीन्स आपने ठीक लगा। हाँ
एक तो रिस्पेक्ट वाली होगी और कौन सी बता केयरिंग आपकी जैसा मैं खाना बनाती नहीं खा लेते वो तो सबसे अच्छी वो यू नहीं कहते कि ये कमी है ये कमी है कभी कभी नहीं निकालते जैसा भी बनाते हैं खा लेते सबसे अच्छी तो वो है कभी ऐसा भाजी खाना खा रहे हो चलो नमक ज्यादा है फिर भी चुपचाप खा लिया ऐसा ही होता है, होता कभी? होता है। नहीं खाने के तो हम चलो तो शौकीन है भाई खाना कैसा ही मिल गया हमने खा लिया ये मिर्च ज्यादा तो चुपचाप खा लिया खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए खाना कभी हमने बिसराया नहीं आज तक खाने की पीने की ये मेरी शुरू से याद है खाने पीने की चीज नहीं बिछड़ा सकता कितनी बेकार होते कितनी अच्छे में खा लूंगा ना उसको खराब करूंगा तो एक गुड हैबिट और बता दे मैडम की गुड हैबिट है कि भाई ये सबका ध्यान रखा है हमारा फैमिली में कोई भी आ जाओ कोई भी आ जाओ सबका ध्यान रखा है सबसे ज्यादा घर में काम भी हमें हाथ नहीं लगाने देती काम के सारे काम हम उठे हैं इतना कर दे है या तो सही है आप बेटर बता दो मैम दो इनकी ये बच्चों को डांटते नहीं है नहीं बैड बतानी है हाँ ये बैड अच्छा ही हाँ। डांटते नहीं है मेरे को भी डांटना पड़ता है और फिर साथ में वो इनको भी डांटा जाता है एक तो होगी एक और हाँ और दूसरी दूसरी है दूसरी क्या बताऊँ है नहीं एक के गुड है एक के बैड है इक्वल है इक्वल है क्या कई कमेंट भी करते हैं प्रपोज कितने बार कर दूसरे एक दिन में भाई प्रपोज तो हम साल में करते हैं प्रपोज ही रोज हर टाइम ही करते रहे लगा लेते हैं अच्छा इतनी ऑडियंस है मैम आपके उनके लिए आज लाइव करना है एक दूसरे को अच्छा अभी करो आप ही करोगे नहीं आज पहले आपने करना है नहीं मैं नहीं करूंगी यही करेंगे एटीट्यूड वाइज देख लो अभी नहीं हम कर देंगे भाई वैसे लेडीज फर्स्ट हो गए कभी करती नहीं ना आदमी नहीं करनी पड़ेगी ये चीज तो आई लव यू अनु सेम टू यू नहीं नहीं आशी सेम टू यू नो सेम टू यू आई लव यू टू दिन में कर दे भाई जैसा भाई फैमिली वाले बैठे हैं ऐसे कोई दिक्कत नहीं है नहीं नहीं फैमिली कर देंगे अच्छा बाप आपके आगे तो नहीं वैसे सुबह सुबह कर ले हमने गुड मॉर्निंग करे जब सॉन्ग के ऊपर भी आते हैं मैं तो नहीं सॉन्ग के ऊपर तो नहीं आए अच्छा चलो करना पड़ेगा किसके साथ करोगे हरियाणा में करोगे दिल्ली में हरियाणा में दिल्ली में दोनों में ही कर लेंगे है ना नहीं फेवरेट कलाकार होता भैया उसके साथ करना फर्स्ट सॉन्ग आप हरियाणा में तो बहुत हो गए मासूम हो गए मोहित शर्मा दिलेर को किया है किसके साथ करना चाहोगे अभी नहीं पता कुछ भी अपना तो भाई फेवरेट सिद्धू मूसे वाला था हरियाणा में हरियाणा में भाई ये उड्डा का भी सही है सिंगर बताना है मौसम शर्मा भी सही है मासूम शर्मा है वो मौसम शर्मा पर ढूंढना है पढ़ाई लिखाई इजी है मासूम शर्मा वो भी सही है और फीमेल में फीमेल में नहीं जानता मैं किसी को चाहता मैं मेल में सभी ठीक है नहीं एक बताना है एक तो क्या बताऊं तो फीमेल में बता दो रेनू का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है अभी जो चला था उसका नहीं चलो आपने बताना एक दूसरे की फेवरेट चीजें बतानी है ठीक है मैम का फेवरेट कलर कौन सा है मैडम का फेवरेट कलर भाई येलो है हाँ। और सर का इनका इनका ये तो कोई भी पहन लेते हैं नहीं एक बता रहा है एक जैसे आपका इनका शायद रेड ही है क्योंकि सूट आज इन्होंने ही कहा था कि रेड वाला पहन ले पहले मैंने ग्रीन वाला निकाला था इन्होंने कहा नहीं रेड वाला पहन सही भाई सही है रेड ही पहनते हैं रेड टी शर्ट पहना करता मैं भी भाई पहनता हाँ मैम का फेवरेट सॉन्ग कौन सा है मैम का फेवरेट सॉन्ग तो भाई ये कभी गुनगुनाते देखे तो नहीं मैंने रिपीट में एक है ये भाई गाना इनका कौन सा गाना है नहीं नहीं आपने बता रहा ये इनका सपना चौधरी का सुनते रहे जो भी ट्रेंडिंग में आता है वही हो जाता है और सर का इनका भी यही है फेवरेट मूवी मेरी नहीं सबकी बतानी है इनकी इनकी तो देखते नहीं देखते रहते हैं इंग्लिश मूवी ज्यादा देखते हैं डबिंग वाली अच्छा अच्छा और मैम की है
मैम की फिल्म है भाई ये, वही देखा है लौगी। हाँ, 90s की। 90s पुरानी फिल्म। हाँ, 90s वही देखा है ये पुरानी फिल्म। आपने क्या लगा मैम जो लेडीज आना था उसमें आखिर बन जाएगा इंस्टाग्राम पे क्या जो कुछ काम नहीं करती मैंने सोचा हम इनकम कर लिया महीने लाखों रुपए कमा कमा सकते हैं टैलेंट होगा जो भी कमा सकते हैं। हाँ। लेडीज सोचा भाई 10 दिन वीडियो बनाया मैंने चली नहीं मैंने छोड़ दी डीमोटिवेट हो जाए मोटिवेट कैसे हो मोटिवेट तो इसमें होना ही पड़ता है क्योंकि अगर डिमोटिवेट हो जाओगे तो आगे काम ही नहीं चलेगा इसमें तो डालते रहो वीडियो जितना डालो बेचारी 6 साल हो गई 6 महीने हो गए कुछ चल ही नहीं रही उनकी तो उसका फिर टॉपिक चेंज कर दो कंटेंट चेंज करके देख लो जो आप पे फिक्स होगा। अब जैसे पहले हम वीडियो बनाते थे लिपसिंग वाली भी मैं बनाती थी वो नहीं चलती थी कॉमेडी की स्टार्ट की वो चल गई और अब जो सास बहू पे बनाने लगी फैमिली पे वो और ज्यादा चल गई बनाते साथ में। हाँ व्लॉग तो नहीं बनाते अभी हम लगता है मेरे चैनल ना व्लॉग में कन्वर्ट कर दें। हाँ अभी हम करेंगे जो मेरा अनीता बुटीक अनीताज वाला चैनल है उस पे अभी हमारे व्लॉग्स आया करेंगे। कंटिन्यू आएंगे थोड़े दिन बाद अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। पूरी फैमिली आएगी आप दोनों ही साथ पूरी फैमिली हम दो ही ज्यादातर तो हम ही आएंगे। मतलब आप सोचो डायलॉग में ही ज्यादातर सोचो चलो 10 वीडियो आएगी आपके कितने डायलॉग हो 10 में से ये होता है टॉपिक ये चेंज चूज कर लेते हैं फिर उसमें जो चेंज करना होता है वो मैं करती सुप्रीम कोर्ट ही है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ही लास्ट में फाइनल यही करेगा क्योंकि यही कर लेगी या नहीं हमने सब भाई बढ़िया डायलॉग बनाए ने सोचा रिजेक्ट कर दिया मैं सोचा यार क्या यार कई वीडियो करते हैं भाई। हाँ। मेरे को लगा कि यह वीडियो बहुत बढ़िया बन गई ये कोई वीडियो इसको हटा तो रिएक्शन हमारे ऊपर फिट होने चाहिए हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर फिट होना चाहिए तो हमें ये मेरे को ये देखना पड़ता है कि वो मैं बोल भी पाऊंगी या नहीं कितना अच्छे से मैं वो कर पाऊंगी। अब कितना महीने में कमा लो आइडिया देना 1 मंथ में 1,000 रुपए कमा लो 1 मंथ में क्या खरीद सको आईफोन स्कूटी स्कॉर्पियो अभी तो साइकिल भी नहीं खरीद सकते फिलहाल क्योंकि एक कंटेंट को फिर दूसरे कंटेंट में बदलना बहुत थोड़ा हो जाता है। पहले मेरा सिलाई वाला कंटेंट था उसमें मेरी इनकम प्रमोशन तो आते होंगे। हाँ प्रमोशन आते हैं लेकिन अभी हम करते नहीं है क्योंकि इंस्टा पे अभी हमारे 1 साल भी नहीं हुआ है। लक्ष्य में किसने बुंडी लगा कर प्रमोशन नहीं करते प्रमोशन भाई प्रमोशन इसलिए नहीं करते क्योंकि जो आते हैं ना वो उनपे अभी हमारा खुद का ही विश्वास नहीं है तो हम अपने जो फैमिली है यूट्यूब फैमिली है इंस्टा फैमिली उनको क्या बताएं। लेकिन लेडीज आपके पास आती होंगी मेरा हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता समझाओ। हाँ। मैसेज आते होंगे ऐसे लोग सपोर्ट नहीं करते ये आती है उनकी भी अलग प्रॉब्लम होती है लेकिन उसमें उनकी फैमिली में मैं क्या कर सकती हूँ। कभी ऐसा हुआ जब तक बात कराई हो मेरे हस्बैंड से बात करा दो नहीं ऐसा नहीं है मैं क्या लगे क्यों सपोर्ट नहीं करते हस्बैंड वाइफ में वो थोड़े यूं सोचे कि भाई दबा कर रखे थोड़ा घर वाली ने कि यार कहीं इसके प्रणाली कर जाए पर ऐसा कुछ नहीं है भाई अगर टैलेंट है किसी का तो और उसने मौका सबने मिलना चाहिए। साथ में है भाई हम तो उनके वो सोचे है ना इस प्रकार से और ये नहीं सोचते कि हमारी फैमिली का हमारे जीवन का हिस्सा है अगर इनकी किसी चीज ने इच्छा है अगर वो हम पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारा ही तो ये सबसे ज्यादा तो हमारा यही वो हमने करनी चाहिए हम हमारा ध्यान रखने का काम है हमारे बाबू लेडीज क्या कैसा हो गया भाई हस्बैंड आजादी दे लेकिन गलत फायदा उठावा जाती है वो तो गलत है फिर उनकी वजह से फिर जो बाकी की औरतें हैं उनको भी आजादी नहीं मिल पाती उन पे भी पाबंदी लग जाती है ये तो गलत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जितना कीमती टाइम दिया अंत में क्या कहना चाहोगे मैं थैंक यू वॉचिंग भाई यार सपोर्ट करो चैनल को। तो आप क्या कहना चाहोगे मैं जो प्यार करो लेडीज आपको मैं यही कहूंगी कि ऐसे ही प्यार बनाए रखे हम पे भी इन पे भी दोनों पे जो मेरे सब्सक्राइबर वो इनको फॉलो करें जो इनके सब्सक्राइबर है वो मेरे को फॉलो करें। तो थैंक यू भाई जी बहुत अच्छा लगा मेरे उम्मीद का अगली बार आवा बिग बॉस में जाए पाऊ आपका बिग बॉस का ही सपना है कि बिग बॉस में जाऊंगी अगली बार आवा जाए पाऊ करोड़ों में कमाई आपकी। हाँ कमाई की जरूरत नहीं है कमाई पैसों के लिए नहीं करते हम खाली किसी की खुशी के लिए ही करें फिर 1 करोड़ फॉलोवर हो नेक्स्ट टाइम आओ जब आज जो भी होगी जितना आप भी खुश है हम तो भाई फॉलोवर तक कोई वो नहीं ज्यादा फर्क पड़ता कि फॉलोवर 10-20 करोड़ हो गए तो आदमी ज्यादा वो खुश रहने लग जाएगा खुश रह जाएगा भाई अपनी फैमिली से अपनी फैमिली से और अपने काम से अगर हम काम तक खुश हैं तो खुश है अगर हमको अपने काम तक खुश ना है तो फॉलोवर कितने आ जाए उसका कोई फायदा नहीं है।
गाली गाली दे के हम दोनों आपस में गाली दे के भी फॉलोअर बढ़ा सकते हैं। मिलियन थोड़ी उसी हरकत करके भी मिलियनों में जा सकते हैं, पर ऐसा करना नहीं है क्योंकि उससे खुशी नहीं मिलेगी आदमी। काम को ऐसा करो जिससे खुशी मिले, जिससे सही संदेश जाओ भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत कुछ सीखने मिला आपसे भी। तो थैंक यू गाइस, आपको पूरी वीडियो देखने खातर, वीडियो आपको सा पार्ट बढ़िया लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक दो इजाजत, जय हरियाणा, जय हरियाणा।